नोएडा के सेक्टर 93 में बने सुपर टेक के अवैध ट्विन टावर दोपहर 2:30 बजे गिरा दिया गया। वहीं 100 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई वाले दोनों टावरों को गिरने में सिर्फ 12 सेकंड का वक्त लगा। ब्लास्ट से पहले करीब 7,000 लोगों को एक्सप्लोजन जोन से हटाया गया। टावर के गिरने के बाद प्रशासन के क्लियरेंस तक 5 रास्तों पर ट्रैफिक की आवाजाही रुकी रहेगी। यहां नोएडा पुलिस के 560 से ज़्यादा जवान तैनात किए गए हैं। इमरजेंसी के लिए एम्बुलेंस भी तैनात की गई थी। ब्लास्ट के बाद इलाके में पॉल्यूशन लेवल मॉनिटरिंग करने के लिए स्पेशल डस्ट मशीन लगाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।